अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहसिन नवा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो आपके मुश्किल हैं उसमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी शामिल है, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप उन चैनल पर जाइए और वहाँ से वो लेक्चर देखिए, और जिस बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही वो मेरे अगर वो लेक्चर सुन लेता है तो इंशाल्लाह उसको वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आ जाएंगे। दोस्तों, उस चैनल का जो यूआरएल है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और इस वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएगा, www.youtube.com/teachersonlineforyou। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हमारा GDB नंबर 1 आया हुआ है, उस हवाले से है। GDB शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे जितने भी सोल्यूशन वाली वीडियोस होती हैं, चाहे वो GDB से रिलेटेड हों चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए होती हैं कि आपने असाइनमेंट या GDB कैसे बनाना है। अगर उसमें कहीं कोई प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो वो आप लोग अपने एंड से देख लिया करें, उसको करेक्ट कर लिया करें, बजाय इसके कि मुझे टेक्स्ट करें या मुझे कमेंट करें कि सर ये यहाँ पे गलती है, आपने जमा करने में गलती कर दिया। तो आप ये चीज़ें अपने एंड पे खुद देख लिया करें और मैनेज कर लिया करें। तो चलिए हम लोग अपना GDB देखते हैं। इसमें हमें बताया गया, फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम अ वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट गॉट अ जॉब as a financial analyst in a reputed firm whose responsibility is to forecast and provide an opinion to its value customer about future and recent investment. The finance manager of the firm wants to ascertain knowledge of the graduate and provided a project for valuation of two company, like company A, company B. The main motive of the project is to check the management effectiveness of shareholders' wealth maximization. In the past, management valued the decision about the managerial effectiveness for the wealth of maximization of shareholder on the basis of economic value added. Therefore, the graduate focus EVA because EVA is better measure managerial effectiveness. The management of the firm provide following information to startup venture to graduate. एक ग्रेजुएट है जी, फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है एंड द कंपनी हैव असाइन अ टास्क टू इवेलुएट टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। वो इवेलुएट करे और बताए कि विच कंपनी इज बेटर फॉर हिम, कि उनके लिए कौन सी कंपनी जो है वो बेस्ट है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, कंपनी ए कंपनी बी आपको नजर आ रही है, करंट स्टॉक है उनका 12.5 का और बी का 18 का, टोटल एफर्ट है 30 लाख के, इसकी तरह कंपनी बी के 50 लाख के, और टोटल लाइबिलिटी 20 लाख की है कंपनी ए की, टोटल लाइबिलिटी कंपनी बी की जो है वो 35 लाख की है, इंटरेस्ट जो है वो 7 लाख है कंपनी ए का, कंपनी बी का जो है वो 8 लाख है, टैक्सेस जो है वो 7,80,000 और कंपनी बी के 6,90,000, नेट इनकम जो है वो हमारी 18,20,000 है कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए जो है वो 16,10,000 है, उसके बाद कास्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी 9 लाख है और इसी तरह कंपनी बी के लिए जो है वो 11 लाख है, इसी तरह आउटस्टैंडिंग शेयर वो 12 लाख के हैं और कंपनी बी के लिए जो है वो 11 लाख के हैं। हमने करना क्या है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडिट फॉर बोथ कंपनीज, हमने ईवीए कैलकुलेट करना है दोनों कंपनियों का, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन विच कंपनी विल यू सजेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई। हमने साथ ये भी बताना है कि कौन सी कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे, और साथ हमने उसका रैशनल देना है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताना है कि व्हाई वी वॉन्ट टू सिलेक्ट द कंपनी ए और कंपनी बी। चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1,
कि हमने उसके अंदर कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडिट। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखें, हमें जो टेबल दिया गया है उसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट की वैल्यू भी दी गई है और टैक्स की भी वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है नेट प्रॉफिट में से अपना टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हम फॉर कंपनी ए कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखें, कंपनी ए का जो टैक्स है वो 7,80,000 है और उसकी जो इनकम है वो 18,20,000 है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 10,40,000 आ गया। इसी तरह अगर हम कंपनी बी की बात करते हैं तो कंपनी बी में हमारा जो टैक्स है वो 6,90,000 का है और हमारी जो नेट इनकम है वो 16,10,000 की है। नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 9,20,000 का है। तो हमारे कंपनी ए के लिए देखें आप, 10,40,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया और हमारा जो कंपनी बी है उसके लिए हमारा 9,20,000 आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा है माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमें उस टेबल के अंदर दी हुई है। हम क्या करते हैं, हम ईवीए कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट। हमने कंपनी ए के लिए जब कैलकुलेट की तो हमने देखें नेट प्रॉफिट 10,40,000, उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9 लाख, तो हमारे पास ईवीए जो है वो 1,40,000 बच गया। इसी तरह अगर हम कंपनी बी की बात करते हैं तो उसके अंदर देखें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9,20,000 है। इसी तरह जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 11 लाख है, तो ईवीए जो है हमारा वो माइनस के अंदर 1,80,000 आ गया। अब देखें कंपनी ए के यहाँ 1,40,000 और कंपनी बी का 1,80,000, लेकिन वो माइनस का है। तो अब हमने ये ईवीए कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमने ये बताना है कि हम कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें ये सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि हम जो है कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन आई हैव सेलेक्टेड द कंपनी ए, कंपनी ए इज बेटर देन द कंपनी बी, वो इससे बेटर है और उसकी वजह मैंने नीचे लिखी है बिकॉज इट हैव हायर वैल्यू देन द कंपनी बी। अगर हम उस टेबल को देखें तो यहाँ पे देखें कंपनी ए जो है उसका जो हमारा ईवीए निकला है वो 1,40,000 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और जो कंपनी बी है उसकी नेगेटिव वैल्यू 1,80,000 है। तो ला मोहल्ला हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज कंपनी ए इज इंक्रीजिंग दी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, वो उनकी शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों ये मेरा एक आइडिया है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अब आप लोग देख लें कि आप लोगों को ये आइडिया ठीक लग रहा है या नहीं, उसके मुताबिक आप अपना जीडीबी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जीडीबी MGT201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपने इस जीडीबी के अंदर क्या करना है। दोस्तों मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अगर किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही तो वो मेरे चैनल www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जाए, वहां पे मेरे MGT201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे सीरीज ऑफ लेक्चर जो है वो वहां पे अवेलेबल है, वो उनके से सुने और उनसे फायदा उठाए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।